with all the force at my command, I beg to oppose the introduction of Right to Information Amendment Bill. Sir, I may mention in this context that in the 15th Lok Sabha, 71% of the bills were sent for parliamentary scrutiny. In the 16th Lok Sabha, number dropped. Only 26% of the bills were sent for parliamentary scrutiny. मैंने सुना, लेकिन मैं अभी तो शुरू ही नहीं किया। ये problem है कि नया parliamentary affairs minister है, ये जो बोलता है कोई, ये इसका big नहीं है, तो नए है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। Sir, I have opposed the introduction of the bill. चार बार के माननीय लोकसभा के सदस्य रहे हैं, नए नहीं हैं। सर, सर, in this present parliament, not one of the 11 bills have been referred to the standing committee for their opinion. This is, but still, since it has been brought, I want to just, sir, if the parliamentary affairs minister decides to disturb a member in this way, I expect you to not. आप मुझे माननीय सदस्य दीजिए. माननीय सदस्य आप सदन में बता रक्षण दीजिए. इस बिल का इंट्रोड्यूशन से इसका क्या संबंध है? इस पे अगर डिटेल करना है तो आप नोटिस देना. मैं उस पे चर्चा कराऊंगा आपसे. लेकिन अभी तो मेरा इंट्रोड्यूस पे बोले आप. मेरा जो कहना है सर, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे बहुत ही जरूरी एक अधिकार है. एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी हुआ, स्टैंडिंग कमेटी बोला, इंफॉर्मेशन कमीशन इज एन इम्पोर्टेंट क्रिएशन अंडर द एक्ट व्हिच विल एग्जीक्यूट द लॉडेबल स्कीम ऑफ द लेजिस्लेशन. नाउ दिस बिल सीक्स टू रिमूव द इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इट्स पावर बिकॉज हेंसफोर्थ अर्लियर इट वॉज सेड दैट द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन विल हैव द सेम पावर. सर, 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 मुझे सर मुझे बोलने दीजिए. सर, मैं अर्लियर इट वॉज से अर्लियर बिल से दैट द इंफॉर्मेशन कमीशन विल टेक अवे इट्स इंडिपेंडेंस बिकॉज इंफॉर्मेशन कमीशन अर्लियर हैड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स फॉरेन विजिट.